हे गाइस, माय नेम इज अभिषेक पांडे एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एम डांस ट्यूटोरियल। आज हम लोग फिर से सीखने वाले एक बहुत ही ज़्यादा वायरल और ट्रेंडिंग सॉन्ग का ट्यूटोरियल, जिसका नाम है मेरे महबूब मेरे सनम। ये नया वाला मेरे महबूब मेरे सनम गाना है जो विक्की कौशल साहब का है। तो चलिए हम लोग इसका ट्यूटोरियल सीखना स्टार्ट करते हैं। लेकिन उसके पहले अगर आप लोग को डांस एक्टिंग या योगा सीखना है तो आप मेरे अकेडमी को भी ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि प्रॉपर नीचे एड्रेस और कॉन्टैक्ट नंबर चल रहा है, वहाँ फ़ोन करके बाकी जानकारी आप ले सकते हैं। तो चलिए हम लोग सीखना स्टार्ट करते हैं। उसके पहले आप लोग देख लीजिए ये इंट्रो। For more updates, subscribe to our channel and enjoy watching the videos. Okay guys, तो चलिए सीखना स्टार्ट करते हैं। उसके पहले आप लोग जान लीजिए ये मेरा राइट साइड है और ये है मेरा लेफ्ट साइड। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सीखना। और ऑलरेडी इस गाने का जो है शॉर्ट्स वीडियो विथ म्यूजिक मैंने इसी चैनल के शॉर्ट सेक्शन में बनाकर अपलोड कर दिया है। तो पहले आप शॉर्ट वीडियो को देखिएगा, उसके बाद ट्यूटोरियल देखिएगा। दो मिनट में आप इजिली सीख जाएंगे और समझ जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सीखना। सबसे पहला वर्ड आता है कब मैंने ये सोचा था, करना क्या है, हैंड को दोनों बनाया, ओके, राइट लेग उठाया और स्लाइड मारे। कब मैंने ये सोचा था, ये क्या करेंगे, स्लाइड मार के फिर वापस उसी पैर पे आ जाना है हमें, हैंड को दोनों ओपन रखा है। कब मैंने ये, उसके बाद गए सोचा था, ओके। म्यूजिक आता है दो छोटा छोटा, उसमें जाते हैं ऐसे रोल करते हैं, लेफ्ट वाला हैंड वन, फिर राइट इसके साथ टू, फिर राइट वाला थ्री एंड फोर, फिर दोनों हैंड आप एक राइट वाला लेग क्रॉस करके आ गए। पूरा एक बार मैं करके दिखाता हूँ कैसे है। कब मैंने ये सोचा था, म्यूजिक वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट, ये इतना पूरा होता है। फिर इसके बाद जो है कब मैंने ये जाना था, तो लास्ट में यहाँ आके खड़े हो गए, इसके बाद हैंड लगाना है, हमने सिंपल रखा हुआ। अब पीछे पैर, कब मैंने ये जानना था, फोर टाइम का है, फोर बीट का, फिर से आप देख लीजिए कैसे जाना है। हमें हैंड दोनों ओपन किया और पैर पीछे लगाना है लेफ्ट वाला, वन टू थ्री फोर, मतलब क्रॉस करके ओपन करते जाना है, पैर को पीछे लगाया, वन टू थ्री फोर। लिपसिंग आता है यहाँ पे, कब मैंने ये जानना था, कब मैंने ये जानना था। अब इसमें भी एक साउंड आता है, एक म्यूजिक आता है, तो जानना था ख़त्म करने के बाद फिर हैंड हम अपना ऊपर किए दोनों और पैर जो है पीछे से ले गए, वन टू एंड घूम गए राउंड थ्री, ठीक है। फिर से एक बार देख लीजिए, ऊपर किया हाथ, पैर पीछे, वन टू एंड थ्री। अब फिर से सेम लिपसिंग जो है रिपीट करता है, इसमें हमें क्या करना है, कब मैंने ये सोचा था, अब इसमें जाना है हमें, हैंड को रखिए, दोनों हैंड सामने किए गए, वन टू एंड थ्री फोर। लिपसिंग पे क्या है इसमें, कब मैंने ये सोचा था एंड हैंड को बना लिया, ऐसे एक पे एक हैंड को रखे और फिर से वही वाला स्टेप करेंगे जो पहले किया था, बस इसमें हैंड का जो है ना आपका पोजीशन वो अलग हो गया। कब मैंने ये जाना था, ओके, चार बीट का है, फिर से एक बार देख लीजिए काउंट पे, वन टू थ्री फोर। अब जो है इसके बाद आता है, तुम इतना बदल जाओगे, तुम इतने बदल जाओगे, हैंड सामने किया और क्रॉस में हमें चल के आगे जाना है, ऐसे तुम इतने बदल जाओगे, ये थ्री टाइम फोर काउंट का है, मैं एक बार काउंट करके बता देता हूँ आपको, ऐसे वन टू थ्री फोर, ठीक है। पैर पे ध्यान रखिएगा, क्रॉस चल के चले जाना है बस, तुम इतना बदल जाओगे एंड यही सब, हैंड ओपन किया और आपको टैप मारते हुए पैर को जाना है, तुम इतना मुझे चाहोगे, ये भी है फोर टाइम का, फोर काउंट का होगा, कैसे, वन टू थ्री फोर, तुम इतना मुझे चाहोगे। उसके बाद आता है, तुम इतना प्यार करोगे, तुम यूं इजहार करोगे। अब क्या करेंगे, इतना मुझे चाहोगे के बाद राइट लेग को लेफ्ट साइड के, तुम इतना प्यार करोगे, एक बार फिर से काउंट पर देखिए कैसे है, वन टू, पैर पीछे, थ्री एंड फोर, लिपसिंग होता है, तुम इतना प्यार करोगे, फिर जाएंगे, तुम यूं इजहार करोगे। अब क्या करेंगे, राइट के पीछे लेफ्ट लेग लगाए, तुम यूं, फिर लेफ्ट गए, इजहार करोगे। अब यहीं पे जो है हमारा पैर क्लोज हुआ, देन मेरे महबूब मेरे हैंड, देखिएगा ये बहुत ध्यान से करना पड़ेगा आपको, तुम यूं इजहार करोगे एंड मेरे महबूब मेरे हैंड गया सनम, फिर यहाँ से हैंड नमस्कार किए, शुक्रिया मेहरबानी हैंड,
लेफ्ट वाला ओपन हुआ, राइट से धरम, फिर सेम एक जाएगा, सेम लिपसिंग होगा। स्टेप इसमें क्या करेंगे, मेरे महबूब मेरे सनम, शुक्रिया मेहरबानी धरम। ये जो है गाना टोटली आपको सेम स्टेप किया हुआ विथ म्यूजिक इसी चैनल के शॉर्ट सेक्शन में मिल जाएगा। तो पहले आप जाके उस डांस वीडियो को देखिएगा, उसके बाद ये ट्यूटोरियल देखिएगा। इजिली 2-3 मिनट टाइम दीजिएगा, 3-4 मिनट हो सकता है, बिकॉज मैं बहुत एक्सप्लेन करके बताता हूँ तो थोड़ा तो वक्त लगेगा ही। तो अब अच्छे से सीखना है तो पहले जाके आप डांस वीडियो देखिए, उसके बाद ट्यूटोरियल देखिए, 3-4 मिनट टाइम दीजिए, फर्स्ट क्लास सीख जाइएगा। तो चलिए मिलते हैं फिर से एक नए ट्यूटोरियल वीडियो के साथ, तब तक आप लोग सीखते रहिए, देखते रहिए हम डांस ट्यूटोरियल। वंदे मातरम, जय हिंद।